नगरी निकाय चुनाव की शुरुआत हो गई है। लगातार आज बड़े बड़ा रोड शो भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा किया गया। हमारे साथ है उनसे जाने के दमों के लोग आखिर क्यों बीजेपी को वोट दें, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही है उसको लेकर बीजेपी को बड़ा संघर्ष भी करना पड़ रहा है। उनसे जानते हैं किस तरह की राजनीति आपकी रहेगी नगरी शहर आदि से। एक बात सूत्र है विकास, विकास में जो लोग भाजी मारते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, न्याय की अवधारणा को तोड़ते हैं, वो एक अलग किस्म की जमात है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें कुछ नई जमातें शामिल हुई हैं जिनको एबीटी कहा जा सकता है। जब ये बात मैं कहता हूँ तो गंभीरता के साथ कहता हूँ, आलोचना के लिए नहीं। कांग्रेस ने इस देश को परिवारवाद दिया, बहुत सारी चुनावी राजनीति में विसंगतियां हैं, उसमें एक है सबसे खतरनाक वो है परिवारवाद। हम अगर उसको और गहराई गंभीरता से देखें तो ये ज्यादा खौफनाक है, खतरनाक से ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि ये जातिवाद की शुरुआत है और भ्रष्टाचार को पनपाने का अगर कोई कारण है तो वही है। वो जो तीसरी बात मैं कह रहा हूँ वो शायद अनु की जनता सुनेगी भी और समझेगी भी कि जब कभी जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार एक होता है तो हर योग्य व्यक्ति का नुकसान होता है, हर प्रतिभा वहां मारी जाती है, फिर वही खरीद फरोख्त होता है। जो भ्रष्टाचार से कमाता है वही भ्रष्टाचार के पैसे बांटता है, और इसलिए ऐसे लोग कभी मांगते नहीं है, ये छीनते हैं और वही छीना हुआ पैसा फिर सर्कुलेट करके बाहर फेंकते हैं। इसलिए लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, और इसलिए मेरे चुनाव लड़ने के तौर तरीके में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम चुनाव जीतने के लिए हथकंडों का उपयोग न करें, चुनाव जीते विचारधारा के आधार पर, संगठन के आधार पर या फिर विकास के मॉडल के साथ। तो मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी पूछूंगा कि आपके पास में विकास का मॉडल क्या है। मेरे पास तो बड़ा छोटा सा मॉडल है, मैं केंद्र सरकार में था तो बेलाताल अगर मैंने सफाई की या तालाबों की स्वच्छता और उनके संवर्धन की बात करता हूँ तो फिर ऑटोमेटिक उनको चुनौती मिलती है जिनने तालाब फूट कर बिल्डिंग खड़ी करके धन कमाया, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अट्टालिकाएं बनाकर धन कमाया या लोगों को कमवाया, और वही लूट करने वाले लोग आज गिरोह बनाकर सामने खड़े होते हैं। तो ये तय करना कि भ्रष्टाचार की राजनीति चाहिए, पैसा तुमसे लूटा जाए पर तुमको वापस किया जाए, अन्यथा मैं कहता हूँ कि जब मैं आया था तो इस शहर पर पानी चार माह तक बार मिलता था। मैंने कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं की थी, मैंने कहा था कि 8 माह 9 महीने बहती है, इसमें 6.5 महीने का पानी राजनगर में है, जितना आप निकालो हर दिन उसमें डाल दो, FLN मेंटेन करो, कभी पानी का संकट आ नहीं सकता। ये सब हो गया, चुटकी में हो गया, नहीं तो यहाँ पर पानी का व्यवसाय चलता था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारा तुम्हारे का सवाल नहीं है, सवाल है कि जो लोग आज बड़ी बातें कर रहे हैं उनसे पूछता हूँ विकास का मॉडल आपका है क्या। हमसे तो बना तो CCERT का ऑफिस खोल दिया, बाकी चीजें जो छोटी मोटी हम कदम, छोटे आदमी है बड़े आदमी तो है नहीं, तो जितना हम कर सकते थे हमने उतना करने की कोशिश की है। लेकिन हमारा रोल मॉडल है हमारे प्रधानमंत्री कि देश की आजादी का 75वां वर्ष 15 अगस्त को पूरा हुआ। 75 साल की यात्रा में आजादी के बाद दमोह का स्वरूप क्या हुआ और आने वाले 25 साल में क्या होगा ये चुनाव उसका फैसला करेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि दमोह की जनता इस विकास के लिए उन लोगों को नहीं जो लूटते रहे हैं, जो अन्याय करते रहे हैं। इसी नगर पालिका में क्या चलता था ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो निंदा हो जाएगी, लेकिन हाँ अगर जांच होगी तो लोग बेनकाब होंगे, शायद कटघरे में भी होंगे, शायद कुछ को सजा भी मिल सकती है। सर जरूर सीतानगर की बात की जा रही है कि लगातार ये प्रोजेक्ट लेट हुआ, केंद्रीय मंत्री ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया, नहीं तो किसानों को पहले पानी मिलता तो किसानों की स्थिति और भी अच्छी। कहते हैं कि सूप बोले तो बोले छलनी बोल रही है सीतानगर और सतधरू। सीतानगर में तो मेरा प्रयास नहीं है लेकिन सतधरू को रोका किसने, नहीं ये बाकी जगह पर मैं कभी श्रेय नहीं लेता। 8 वर्षों में अगर कभी किसी हमारे मंत्री ने जनप्रतिनिधि ने कुछ किया तो मैं पब्लिक नहीं बोलता था कि भाई मैं तो सांसद के नाते शामिल हो रहा हूँ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने कभी झूठा श्रेय नहीं लिया। लेकिन सतधरू के बारे में मैं कह सकता हूँ सतधरू अगर आज बना तो उसमें प्रहलाद पटेल के अलावा कोई श्रेय नहीं ले सकता। अगर उसको 14 से 18 साल पीछे किया तो उसके कुछ गुनहगार लोग हैं, ये जवाब उनको देना चाहिए जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो क्लोजर लगवा दिया था तो मैंने जल जीवन मिशन के तहत अभी इसी दमोह जिले में 17% पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच रहा है,
इस बरसात के बाद 71% गंगा में पहुंचेगा और वो शतधनु से पहुंचेगा। तो वो मुझसे सवाल क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है पानी के संकट को खत्म करना। और ये बरसात के बाद जैसे उसमें बांध में पानी भरेगा 71% इस जिले के परिवारों के पास पेयजल का पानी पहुंचेगा। तो जवाब मुझे देना नहीं है, जवाब तो उनको देना है जिन्होंने शतधनु को 18 साल पीछे कर सकेगा। शतधनु के बारे में हाँ, सीतानगर में है तो जिनने टेंडर में पैसे खाए हैं, लूट मचाई है, तो जांच होगी तो काम तो रुकेगा। तो ये तो अभी फैसला बाकी है। इसके अलावा लगातार बात की जा रही है कि नगर पालिका का जो विकास था वो सही ढंग से नहीं किया, जिसके चलते शहर के लोगों को परेशानी हो रही है। जो धंधा नियंत्रण से ढंग से काम नहीं किया, लोगों को परेशानी किया। मुझे लगता है जो लूटने वाला गिरोह था वो ही अब इस्तीफा दे के मैदान में है। जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। ये शहर का आदमी जानता है कि टेंडर कौन लेता था, बाकी कौन करता था। ये प्रहलाद पटेल ने नहीं किया। प्रहलाद पटेल का कोई बंदा भी नहीं है कि जो जाकर कहे कि भाई इसको ठेका मिल गया या उसको ठेका दिलवा दो। ये धंधा तो मैंने किया नहीं। जिनने किया है वो सवाल अगर पूछ रहे हैं तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा दमोह की जनता को। अगर उस नगर पालिका में लूट मची तो उसका जिम्मेदार कौन? और मुझे लगता है दमोह की जनता से इनको इनसे पूछना चाहिए कि किस मुंह से आप वोट मांगने के लिए आए। तो कहूंगा ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, लगातार कार्यकर्ता छोड़ते जा रहे हैं और आज पर्याप्त कार्यकर्ता न होने की वजह से गाँव में फाइट नहीं कर पा रही बीजेपी। मुझे लगता है ये भ्रम तो टूट जाएगा। मैं दमोह की जनता से जरूर कहूंगा कि आपको ये फैसला करना होगा कि आप विकास के साथ हैं या विकास को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ हैं। आप उन लोगों के साथ हैं जिनने विरोध बनाकर तमाम जगह पर लूट मचाई और आज वो शुचिता की बात करते हैं। जवाब आपको देना होगा। वोट देने का मतलब ही ये है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से साथ कहूंगा कि धर्म और धृतराष्ट्र की दो नीतियां हैं। दुर्योधन के हटने धृतराष्ट्र को मौन कर दिया था, ऐसा भी कहा गया। मैंने पता चला, मुझे भी पता चला, क्योंकि मैंने तो अपने पोस्टर में अपने सभी पूर्व जिलाध्यक्षों का फोटो लगाया है। और ये बात मैं कोट करके कहता हूँ कि मैंने फोटो जिनका लगाया उनसे सहमति लेकर लगाया, मन से नहीं लगाया, फेस शेविंग नहीं है। तो सबसे पूछ के लगाया है कि हम फोटो लगाए या ना लगाए। तो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के चित्र मैंने पोस्टर में लगाए हैं जिनसे जिनने मुझे सहमति दी, इसलिए मुझे विवाद में पड़ना नहीं है। लेकिन दुर्योधन के हट से अगर कोई धृतराष्ट्र मौन होता है तो महाभारत होता है। लेकिन जो जनता है मैं उनसे कहूंगा बहुत भीष्मकता में द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे तमाम कर्ण जैसे लोग जिनके बारे में कहा जाए तो मुकाबले भी लोग नहीं होंगे। लेकिन यदि आप सच कहने पर किस समय चुप रहेंगे, सच नहीं कहेंगे, तो फिर मान कर चलिए महाभारत होगा। और जो लोग चुप रहेंगे तो दिनकर की वो पंक्तियां हैं, दिनकर की पंक्तियां भी हैं। और ऐसे लोगों का यश नष्ट हुआ है। खाली परिवार बात से व्यक्ति का और परिवार का नुकसान नहीं हुआ, राष्ट्र का और समाज का भी नुकसान हुआ, वंश नष्ट हुए, ये इतिहास गवाह है। दिनकर कहते हैं कि समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तथस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आज दमोह की जनता के सामने यही चुनौती है। मैं दमोह की जनता से प्रार्थना करता हूं, मैं नहीं कहता कि वो मेरी बात पर आकर उनका विश्वास करे, लेकिन परिवारवाद का विरोध का संकल्प मोदी जी ने दिया, पार्टी ने स्वीकार किया, वो पार्टी के चरित्र में दिखने लगा। लेकिन पार्टी परिवार के लिए नहीं होती, पार्टी समाज के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए। हम दमोह के विकास के बारे में सिर्फ नहीं कहेंगे, शायद पहली बार हम न्यायप्रिय ढंग से नगर पालिका चलाने में समर्थ होंगे। और इसलिए हमें आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए और वोट चाहिए। हम निजी लोगों के लिए हमारे पास चेहरा नहीं है, इसमें चेहरा है सिर्फ कमल, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी, मोदी जी, ये चेहरे हैं, बाकी चेहरा नहीं है कोई हमारे पास। और इसलिए मुझे लगता है कि हम चाहते हैं कि पार्टी को आशीर्वाद मिले। एक बड़ा आरोप लग रहा है कि प्रहलाद जी दम आते हैं भस्मासुर की तरह, पूरे जो नेता थे पूर्व के वो आज घर बैठे हैं या आ नहीं रहे हैं या इस्तीफा दे के चले गए हैं, तो इसको क्या? जितने लोगों का मैंने फोटो लगाया है बेचारे घर ही बैठे हुए, एक दो को छोड़ कर तो सबको घर बैठाया, वो प्रहलाद पटेल ने नहीं बैठाया। प्रहलाद पटेल के कारण उनका फोटो आज लोग देख पा रहे हैं पोस्टर, वो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं या पदाधिकारी है या बाकी लोग हैं।
मुझे लगता नहीं कि कौन नेता छोड़ के गए, नेता तो यही है जिनका फोटो मैंने लगाया, लेकिन इनका फोटो मुझे 8 साल में किसी मंच पर नहीं लगा, पहली बार फोटो लगे, जवाब उनको देना जवाब मुझे नहीं देना। कितनी सीटें जीत के हैं? मैं दोनों की जनता से बहुमत की अपेक्षा करता हूँ कि वो हमें नगर पालिका में बहुमत दे ताकि हम अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना सके। आज रोड शो किया, किस तरह का जन समर्थन रहा, क्या आशीर्वाद? मुझे लगता है कि लोग सहमत है, लेकिन मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से स्थानीय चुनाव में विकृतियां आती है, मैंने परिवारवाद का जिक्र किया है लेकिन मती का जिक्र मैंने नहीं किया, उसमें वो भी आते हैं जो धनबल के कारण विकृतियां आती हैं, वो कितना प्रभाव छोड़ेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनको मैं बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ आपके माध्यम से। बुद्ध एक बार एक गाँव में गए तो गाँव के लोग उनको मीठा लेकर आए, उन्होंने कहानी में मीठा खाता नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, आप सबको बांट दिया। गाँव के लोगों ने मीठा खाया, खुश हुए और प्रणाम किया, चले गए। बाद में किसी गांव में गए तो वहां लोगों ने उनके साथ बढ़िया भद्रता की, वो चुपचाप सुनते रहे। बाद में कहा कि आपको गुस्सा नहीं आया? तो बुद्ध ने कहा था कि जब लोग मीठा लेकर आए थे तभी मैंने नहीं खाया, लोग गालियां लेकर आए तो भी मैंने नहीं खाई, जैसे मैंने उनको मीठा वापस किया मैं उनको गालियां वापस कर दी। मुझे लगता है यही सबसे बेहतर तरीका है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं मैंने उनको आरोप वापिस किए हैं, मैंने सफाई दी थी मुझे सफाई देनी नहीं है, सफाई 8 साल हो गए मुझे राजनीति में, इसी जिले में पार्टी ने मुझे भेजा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, कौन ने सपोर्ट किया कौन ने विरोध किया ये शहर जानता है और इस शहर ने हमें आशीर्वाद दिया। मैंने गलत तरीके से शहर के लोगों से वोट नहीं लिया, लेकिन शहर के लोगों ने इतना वोट दिया तो जीवन में धन का गर्व करने वाले लोग कभी नहीं ले पाए, जो तो कहते हैं कि यहाँ के बाशिंदे हैं वो नहीं ले पाए, वो जीत मुझे शहर ने दी। तो ये आरोप तो शहर के लोग लगाए तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन ये छुटवैये लगाए जिनने हमेशा विरोध किया हो मैं ऐसे आरोप का जवाब नहीं देता, मैं उनसे कहूंगा कि अच्छाई और बुराई ये सब दिखती है जनता को, तो जनता फैसला करेगी। क्या लगता है आपको जो लोग पार्टी छोड़ के गए पार्टी? मुझे लगता है गांधी की बात ज्यादा सटीक है, गांधी ने कहा था कि पूरी दुनिया की जरूरतें प्रकृति पूरा कर सकती है लेकिन एक आदमी का लालच पूरा नहीं कर सकती, ये इस चुनाव का मूल मंत्र है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं फायदे और नुकसान की बात तो मैं मानता नहीं हूँ, मैं ये मानता हूँ कि पार्टी यहाँ जीते, दमोह शहर जीते, धन पशु ना जीते, बिल संतोषी ना जीते, जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं, जिनको बिगाड़ करना है, ऐसे लोग जीतेंगे तो विकास नहीं होगा। विकास के लिए शांति चाहिए, विजन चाहिए, कोई लक्षित उद्देश्य चाहिए। हमारे पास है, आने वाले 25 वर्षों में देश की आजादी के जब 100 वर्ष होंगे तो दमयंती का शहर दमोह कैसा होगा, अगर दमोह की जनता मौका देगी तो हम ये करके बताएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, नगर पालिका पहली बार न्याय के आधार पर चलेगी, और मैं जल व्यवस्था के बारे में और स्वच्छता के बारे में कह सकता हूँ सबसे बड़ी चुनौती है देश के सामने कि राइजर पाइपलाइन से लगी हुई पाइप कनेक्शन बचेंगे नहीं, शुद्ध पानी जो निकलेगा राजनगर से वो टंकी में पूरा जाएगा, ये मैं गारंटी दूंगा। जो पानी 50 लीटर पर हेड आदमी को मिलता है 50 लीटर वो सड़क पर फेंकेगा नाली में, तो ये जो नाले गटर की तरह पड़े हुए हैं ये नहीं रहेंगे, वो शुद्ध होंगे। मैं जिन तालाबों की बात करता हूँ जिनको मैं धरोहर मानता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर की कल्पना को लेकर आइए, हम इसको अमृत सरोवर की कल्पना से 2023 के अंत तक करके दिखाएंगे। हमारा कोई बड़ा वादा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं करने वाला नहीं हूँ, लेकिन शहर 25 साल बाद धोना होगा तो उसके पानी की व्यवस्था, उसके खेलकूद की व्यवस्था, पर्यावरण का संतुलन बना रहे, अगर कोई झाड़ भी लगता है तो 100 वर्ष तक वो कटना नहीं चाहिए, ऐसा स्थान चयनित हो। ये औपचारिक रूप से रोड के किनारे लगा दो, रोड छोड़ा हुआ तो काट के फेंक दो, ये फिजूल खर्ची नहीं होने देगा। एक चीज बात करेंगे, पूर्व में जो विकास हुआ, विकास के नाम पर शहर में पेड़ों का कचरा हुआ, कई मंदिर हटा दिए, काफी कुछ हुआ,
गलत हम नहीं बात कर, हमारे यहाँ पीएम गति शक्ति प्रधानमंत्री ने तय की, उन्हें जो रोड मैप दिया उन्होंने कहा कि जंगल कम से कम कटने चाहिए, कम से कम आवास उजड़ने चाहिए, आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि 100 वर्ष तक उसके आसपास कोई चीज निर्मित ना हो जिससे आप उखाड़ कर फेंकना पड़े। राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है तो कोई अच्छी चीज भी ढाई जा सकती है, लेकिन हमारे अरण्य के कारण, हमारी अनीति के कारण, हमारी अदूरदर्शिता के कारण अगर नुकसान हो, ये समाज के साथ हो पाए। एक रोड बने और दूसरी साल पर से वही बनेगा तो आप ठेकेदार के लिए बना रहे, जनता के लिए नहीं बना रहे, ये तो पक्का लोग देखते हैं। अभी तक जो पूर्व के वर्षों में जिस तरह से काम हुआ है, चाहे जल संसाधन विभाग में अन्य विभागों ने काम किया है, कुछ काम आगे पार्ट टीचर सपाट लाखों खर्च, लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिला, इसे कैसे दूसरी मानते हैं? शहर के लोगों को लाभ नहीं मिला नगर पालिका। आज ये वक्त नहीं है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये सच है कि लूट करने वाले मानते हैं, मांगने के लिए हम जैसे पकड़ लोग जाएंगे, वोट भी मांगेंगे, पैसा भी मांगेंगे, सहयोग भी मांगेंगे, इसके पास माल होता है वो मांगता नहीं, वो बांटता है। ये चुनाव में लोग देखेंगे कि बांटने वाला कौन और मांगने वाला कौन। मैं मांगूंगा तो मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा, मैं अपने परिवार के लिए नहीं मांगूंगा, मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो अपनी औलाद के लिए कहूंगी इस मुझसे अच्छा कोई नेता नहीं। मैं ये कहता हूँ कि वो कार्यकर्ता जो वर्षों से काम कर रहा है, मौका उसको मिलना चाहिए। यही भाजपा का मंत्र है, यही प्रधानमंत्री का दिया हुआ श्लोक है, जिसको हम कंठस्थ पर नहीं करते, हम उसका क्रियान्वयन करने वाले लोग। इसलिए 8 साल में किसी ने मेरे किसी परिवार के सदस्य को या नहीं देखा होगा, और ऐसा नहीं कि वो अयोग्य, इनसे लाख दर्जे बेहतर है। मेरे बेटे को मैं डिबेट के लिए भेजूंगा तो इनके भरोसे उड़ जाएंगे, लेकिन राजनीति नहीं करने के लिए, बुद्धिमान होना अलग बात है, लेकिन बाकी चीजें अलग बात। ये मतलब नहीं कि सारा ठेका उसी का है, दुनिया में बहुत काम हो करनी चाहिए, लेकिन अगर राजनीतिक व्यवस्था है तो राजनीतिक व्यवस्था में हम सबको यही तय करना होगा कि बेहतर योग दूरदर्शी और कर्मठ लोग राजनीति में। अंतिम सवाल आपसे, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा कि ये बेहतरीन चुनाव है, जब दौर कठिनाई का होता है तो विवेकशील लोग अपना उत्तरदायित्व तो पूरा करते हैं, और जो चुप रहेंगे इतिहास में माफ नहीं करेगा। जिन्हें लोग चुनौती कह रहे हैं, मैं इसे अवसर के रूप में देखता हूँ, ठीक है, पर उनके पास तो पैसे का बहुत बल है, इसलिए गलत तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लड़ना आता है। मैं तो सिर्फ जनता से कहूंगा, यदि भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल में कोई खोट है तो हम सजा के अधिकार हैं, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को ध्वस्त करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कहूंगा, वो कांग्रेस हो चाहे दूसरी कोई और लोग हो, मैं कहूंगा कि वोट से आप उनको हराइए और हमको मजबूती दीजिए, हम ईमानदारी के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे, भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देंगे। दलालों का तो खैर लगभग लगभग सफाया हो गया, मैं बड़ा खुश हूँ कि जो दलाल वाली गैंग थी वो कम से कम बाहर चली गई और अब सामने खड़ी है, तो पैसा वैसा कमाया होगा तो कुछ खर्च कर देंगे। परिवारवाद का सबसे बड़ी उनका दोष था, जिसने उस पार्टी को खत्म किया, देश को नुकसान पहुंचाया, समाज को नुकसान पहुंचाया, और से योग्य लोगों को तिलांजलि मिली। भ्रष्टाचार उसका परिणाम है, वो देश ने देखा। परिवारवाद में जातिवाद उसका दूसरा परिणाम है, कांग्रेस की उस राजनीति का दुष्परिणाम ये हुआ कि जातिवाद और जातिवादी पार्टियां पैदा हुई, और जो जातिवादी पार्टियां पैदा हुई वो परिवारवाद से बाहर नहीं गई, उनको भी खत्म होना पड़ा। ये कांग्रेस के बाई प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने पहली पंक्ति यही कही थी, ये जो आपको दिख रहे हैं ये तो बहुत बाद वाले इसका अनुसरण करने वाले। एक चीज और, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, उदयपुर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमारी संविधान की मूल भावना को आहत करने वाली है और हमारी सांस्कृतिक विरासत पर तो गहरी चोट है। आम आदमी भयभीत भी है और दुखी भी है, दो शब्दों के उपयोग कर रहा हूँ। ये भय समाज के उससे दूर होना होगा, इसके लिए हमें नए सिरे से विचार करना पड़ेगा।
ये दमोह की जनता को भी सोचना, और अगर उसके मन में आक्रोश है तो इस घटना के कारणों को उसको जानना होगा, उसके पीछे लोग होंगे। तो तब लगता है कि जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री और गृहमंत्री राजस्थान में कहता है कि वो आतंकी घटना है, और उनका सबसे बड़ा नेता ये कहता है कि वो बच्चे उनको माफ कर, ये तो ये तुष्टिकरण भी। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और हमेशा खुल के बोलते हैं, दिल के अंदर कुछ नहीं रखते, जो जुबा पर वही दिल पर होता है। ऐसे में लोगों से अपील की कि भाजपा को वोट दें। कारण भी उनके द्वारा गिना गया कि विकास अगर कोई कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री का विजन है जिसे वे पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में लोगों के मन में क्या है ये आगामी समय में स्पष्ट होगा। इस समय के लिए तमो से संजय सबरिया।